फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोसेली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेनोपॉज, जिसे हम हिंदी में रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। दोस्तों, हम इसी के डेट चार्ट के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, किशोर अवस्था की तरह मेनोपॉज भी किसी भी महिला के जीवन में कई तरह की चुनौतियों लेकर आता है। हार्मोन में अचानक आए बदलाव, हॉट फ्लश जैसी कई और भी समस्याएं जिसका इस स्थिति में महिलाओं को सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपकी मम्मी की उम्र 45 से 55 वर्ष के बीच है और उन्हें लगातार 12 माह से पीरियड्स नहीं आए, तो निश्चित ही वे मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति की ओर पहुँच गए हैं। दोस्तों, मेनोपॉज की तरफ बढ़ने वाली महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। इससे एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन की सक्रिय पैटर्न के व्यवधान पैदा होता है, जिसके कारण वजन बढ़ना, हॉट फ्लैश, नींद की संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे इसको आप कैसे बैलेंस बना सकते हैं। इसके लिए हम आपके लिए प्रॉपर डाइट चार्ट लाए हैं, आहार लाए हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, होम रेमेडीज़, आयुर्वेदिक रेमेडीज़ भी लाए हैं और योगाज लाए हैं, जिसका यूज़ करके दोस्तों आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएँ, हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है मेनोपॉज क्या है। दोस्तों, उम्र के साथ साथ महिलाओं के शरीर में तमाम तरह के हार्मोनल बदलाव देखने को मिलते हैं। मेनोपॉज भी उम्र के साथ शरीर में होने वाले एक तरह का बदलाव है, जिसके बाद महिलाओं में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। मेनोपॉज को हिंदी में रजोनिवृत्ति कहा जाता है। सामान्य रूप से मेनोपॉज को महिलाओं की प्रजनन क्षमता से भी जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, मेनोपॉज की स्थिति में पहुँचने पर महिलाओं के शरीर में होने वाला हार्मोनल बदलाव कई समस्याओं का कारण बनता है। 45 से लेकर 55 साल की उम्र में महिलाएं मेनोपॉज की स्थिति तक पहुंच पाती हैं। इस स्थिति में आने पर महिलाओं में चिड़चिड़ापन, हॉट फ्लैशेज और मूड में बदलाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये लक्षण मेनोपॉज के 6 से 7 महीने पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मेनोपॉज के दौरान महिलाओं के पीरियड्स प्राकृतिक रूप से बंद हो जाते हैं। मेनोपॉज के बाद महिलाएं संतान को जन्म देने में असमर्थ हो जाती हैं, अर्थात इस अवस्था के बाद महिलाएं बच्चे नहीं पैदा कर सकती। इस स्थिति में महिलाओं के शरीर में बहुत सारे शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन आते हैं। मेनोपॉज वह स्थिति होती है जब आपको 12 महीने तक लगातार पीरियड्स नहीं आते। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे मेनोपॉज के लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों, मेनोपॉज के लक्षण हर महिलाओं में अलग अलग होते हैं। मेनोपॉज से संबंधित कुछ बदलाव महिलाओं में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जैसे हड्डियों का घनत्व कम होना, वजन बढ़ना, त्वचा का रूखा होना, नींद में गड़बड़ी, अन्य हार्मोनल परिवर्तन। बहुत सारी सब्जियां, फल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, मेनोपॉज में एस्ट्रोजन लेवल जैसे जैसे कम होता है, वैसे महिलाओं में शरीर में ये लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे रात में अत्यधिक पसीना आना, मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन आना, हॉट फ्लैशेज, डिप्रेशन या स्ट्रेस बढ़ना, नींद से जुड़ी समस्याएं, स्किन का रूखा होना, बार बार पेशाब आने की समस्या, प्राइवेट पार्ट में जाना, सूखना, पीरियड्स आना बंद होना, ये प्रमुख हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति की डाइट चार्ट। दोस्तों, बहुत सवेरा है आपको सुबह सुबह मेथी का पानी पीना है। आपको सुबह के नाश्ते में आपको टूटा हुआ गेहूं का दलिया, वेज दलिया, वेज सूजी का उपमा, सिवैया ले सकते हो, वेज पोहा ले सकते हो, चावल के गुच्छे, बेसन का चीला ले सकते हो, भरवा चपाती, सब्जी या दाल के साथ चपाती, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच, मिस्सी चपाती, 2 अंडे का सफ़ेद भाग आपको नाश्ते में लेना है। दोस्तों, अब नाश्ते के बाद सुबह के दौरान आपको लेना फल, नारियल पानी, अंकुरित सलाद, आपको ये नाश्ते के बाद सुबह के दौरान लेना है। दोस्तों, अब दोपहर के खाने की बात करें, सादा चपाती लेनी है, रागी की चपाती ले सकते हो आप, सब्जी हो या दाल या दही और सलाद, ये आपको दिन के खाने में लेना है दोपहर के भोजन में। दोस्तों, बात करेंगे शाम के नाश्ते में आपको क्या लेना है। दूध लेना है, फ्रूट शेक लेना है, राइस फ्लेक्स स्नैक्स लेना है, स्प्राउट्स लेना है, सूप लेना है, घर का बना हुआ हर्बल चाय और भुने हुए चने ही आपको शाम के नाश्ते में लेना है। दोस्तों, रात के खाने की बात करें, दोस्तों सादा चपाती या फिर रागी की चपाती, सब्जी और दाल ये आपको रात के खाने में लेने हैं। दोस्तों,
दोस्तों हम आपको बताएंगे मेनोपॉज में आहार में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे आहार में आपको क्या खाना है। दोस्तों आपको गेहूं का आटा, दलिया, साबुत अनाज, दलिया, बाजरा, मक्का, बाजरा, ब्राउन चावल, चपाती में आप 1 किलो गेहूं के आटे में 250 ग्राम रागी का आटा मिला के खा सकते हो। ब्रेसल स्पॉट्स बीन्स, फूल गोभी, शलगम, गाजर, गोभी, कद्दू, शकरकंद, लहसुन, प्याज, मटर, आर्टिचोक सलाद, शतावरी, अजमोद, लाल मिर्च, हर मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जी, कोलाड साग, काले भिंडी, इटालियन साग, सहजन, सरसों का साग, पालक, हरा टमाटर उत्पाद आदि सब्जी में आप ले सकते। सभी फलों में केला, प्रो, नींबू, पपीता, अनानास, दोस्तों एवोकाडो, चेरी, स्ट्रॉबेरी, अंजीर, सेब, आम, आंवला, अनार, संतरा, अंगूर, चूना, कीवी, खुमानी, ये फ्रूट्स फल आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। दूध में आप कम वसा वाला दूध, पनीर, छाछ, दही, टोफू, सोया दूध ले सकते हो। वसा में गाय का दूध, घी, सरसों तेल, जैतून का तेल, सोयाबीन का तेल, कनोले का तेल, चावल की भूसी का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल या आप वसा में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मसाले में सौंफ, जीरा, तुलसी, पुदीना, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल, कारमोन, अजवाइन, धनिया, हल्दी, कम नमक और हरी मिर्च राई यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आप गुड़, घर का बना गुड़ यूज़ कर सकते हो। ये आप अपने आहार है जो आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों नॉन वेज यानी मांस में आप अंडे का सफ़ेद भाग, दुबला मांस, त्वचा रहित चिकन, मछली जैसा सॉर्डिन, सामान, ट्यूना, मैकरल, हेरिंग, मछली, एकोवी और झींगा आप यूज़ कर सकते हो। दूध में साफ सब्जी का सूप, नींबू का पानी, सोया दूध, बादाम का दूध, छाछ, एलोवेरा का रस, जौ का पानी, नारियल का पानी, व्हीट ग्रास का रस, सिंह पड़ी की चाय आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे आहार में आपको क्या नहीं खाना है। दोस्तों अधिक पकी हुई सब्जियां, लाल और हरी मिर्च, नारियल, जमी हुई सब्जियां, फ्राइड या प्रोस्टेट मीट, झींगा, लॉबस्टर, केकड़ा, डार्क मीट, पोल्ट्री, टर्की, लीन बीफ, मॉर्क लेम, हैम, टर्की, अंडे की जर्दी, सॉसेजेस, रेड मीट, ऑर्गन, पार्ट लीवर, किडनी, चेस्ट, ये आपको नहीं खाना है नॉन वेज में। दोस्तों सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, नूडल, पास्ता, मैक्रोनी, मैगी वगैरह नहीं खाने। डिब्बा बंद और पैक फल नहीं खाना है आपको। कार्बोनेट पेय पदार्थ, डिब्बा बंद सूप, पैक सूप, डिब्बा बंद फलों का रस नहीं लेना है। दोस्तों संपूर्ण क्रीम मक्खन नहीं लेना है आपको। दोस्तों असंतृप्त वसा, क्रीम, ताड़ का तेल, मक्खन आदि नहीं लेना है। सभी बेकरी उत्पाद, सॉस, फ्रूट, जेली वगैरह आपको अपनी डाइट में नहीं शामिल करना है। दोस्तों हम आपको बताएंगे आहार युक्तियाँ, डाइट टिप्स। कम से कम 30 से 45 मिनट तक टहलने की सलाह हम आपको देते हैं। दोस्तों फलों की रस की जगह साबुत फलों का यूज़ करें। भोजन छोड़ने से बचें, खासकर नाश्ता। 6 भीगे हुए बादाम, 2 अंजीर डेली अपनी डाइट में शामिल करें। पानी का यूज़ करें, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। दोस्तों हम आपको बताएंगे घरेलू उपचार, होम रेमेडीज़। दोस्तों जिंजेंग की चाय, 1 चम्मच जिंजेंग को 2 कप पानी में तब तक उबालें जब तक वह 1 कप ना रह जाए, ये आप अपनी डाइट में शामिल करें। दोस्तों जिंजेंग एक जड़ है, इससे इस जड़ से सूखा का पाउडर भी बनाया जाता है। जड़ से आप चाय भी बना सकते हैं। जड़ को पानी में उबालकर जिंजेंग टी तैयार है। दोस्तों जिंजेंग की चाय महिलाओं के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस लाने में मददगार है। इसके अलावा ये एंड्रोमेट्रियोसिस और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होने वाली समस्याओं से बचाव करती है। दोस्तों अगली जो होम रेमेडीज़ है, इसके लिए आपको 5 तुलसी के पत्ते, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 कप पानी में 1 कप होने तक उबालें, इस चाय का आप यूज़ करें, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अगली जो औषधि चाय है, इसके लिए 1/2 छोटा चम्मच सौंफ और धनिया और जीरा, 3 कप पानी में 1 कप होने तक उबालें, इसका यूज़ करें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों हम आपको बताएंगे आयुर्वेदिक उपचार, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर मेनोपॉज। दोस्तों अशोका एक जड़ी बूटी होती है जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। इसका पाउडर आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इस पाउडर को आप पाउडर के रूप में खा सकते हो। उसके नियमित यूज़ करने से मेनोपॉज में जो शारीरिक और मानसिक सिम्टम्स होते हैं उसमें काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों अगली जो रेमेडीज़ है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, शतावरी बेहद फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों इसे दूध के साथ घोलकर पीने से आपके हार्मोनल बैलेंस बनने में मदद होती है। शतावरी को महिलाओं के लिए हेल्थ टॉनिक माना जाता है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, शरीर के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मददगार होता है। आयुर्वेदिक के मुताबिक ये मेनोपॉज द्वारा समय आने वाली समस्या जैसे वजाइनल डिस्चार्ज, घबराहट, एंजाइटी और मूड स्विंग्स में भी आराम दिलाता है।
दोस्तों अगली जो आयुर्वेदिक रेमेडीज है वो है एलोवेरा जेल। हमारे शरीर में के लिए ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स कूट कूट कर भरे होते हैं एलोवेरा में। दोस्तों आप चाहे तो अपने आंगन में लगे एलोवेरा का यूज़ कर सकते हो, चाहे तो बाज़ार से ख़रीद सकते हो। दोस्तों एलोवेरा का जेल अपने प्योर रूप में और फाइटो एक्स्ट्रोजन नाम के केमिकल का भंडार होता है। ये केमिकल महिलाओं के शरीर में हो रहे हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। दोस्तों इसके साथ ही एलोवेरा महिलाओं के शरीर को हाइड्रेट करता है। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को डिहाइड्रेशन का बहुत सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में एलोवेरा का जेल शरीर में पानी और ज़रूरी पोषक तत्व की कमी नहीं होने देता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे मेनोपॉज से जुड़ी हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है हेल्थ रिस्क। अक्सर मेनोपॉज के दौरान और बाद में वज़न बढ़ना देखा जाता है, जो हार्मोन में हुए बदलाव का नतीजा होता है। वज़न बढ़ने के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बीपी बढ़ना, कब्ज़ होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस आदि काफ़ी सामान्य रूप से देखा जाता है। इसको डाइट से कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। दोस्तों हम आपको बताएंगे मेनोपॉज के दौरान वज़न को डाइट से कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों हार्मोन में बदलाव एवं बढ़ती उम्र के कारण वज़न का बढ़ना एवं आसानी से वज़न कम ना कर पाना इस दौरान बहुत आसानी से देखे जा सकता है। दोस्तों इस दौरान मांसपेशियां कमज़ोर होना, पेट के आसपास चर्बी बढ़ने की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। इस उम्र की महिलाओं में शारीरिक सक्रियता भी कम होना, कैलोरी वाला भोजन ग्रहण करने की आदत भी देखी जाती है। ऐसे में डाइट में प्रोटीन की मात्रा ठीक रखें जिससे मांसपेशियों का संतुलन में रखा जा सके, साथ ही बुरी चीज़ों की क्रेविंग को भी रोका जा सके। इसके साथ ही प्रोटीन युक्त भोजन वज़न को कंट्रोल रखने मददगार होता है। दोस्तों कोशिश करें कि दिन में हर डाइट में एक प्रोटीन का सोर्स अवश्य हो। खाने में दालें, फलियां, दूध, दही, पनीर, अंडा, चिकन आदि का यूज़ ज़रूर करें। दोस्तों फाइबर रिच डाइट से करें सिम्टम्स को कंट्रोल, लक्षणों को कंट्रोल। दोस्तों फाइबर युक्त आहार मेनोपॉज के लक्षण जैसे पेट के आसपास की चर्बी, वज़न का ज़्यादा होना, लिपिड लेवल का बढ़ना, कब्ज़ होना आदि को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके लिए आप अपनी रोज़ की डाइट में हरी एवं पत्तेदार सब्जियां, साबुत फल ना कि जूस शामिल करें। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि का भरपूर मात्रा में सेवन करें। इसके साथ ही सोते वक्त दूध के साथ इस इसबगोल का यूज़ भी करें। दोस्तों हम आपको बताएंगे हॉट फ्लैश को कैसे कम करें। दोस्तों यदि आपको इस दौरान हॉट फ्लैश की समस्या हो रही है तो कैफीन वाली चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन से बचें। इसके बदले आप हर्बल टी या ग्रीन टी का यूज़ कर सकती हैं। साथ ही साथ तेल एवं मसाले वाले भोजन से भी परहेज करें, इससे भी हॉट फ्लैश की समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों इस दौरान हार्मोन में बदलाव के कारण कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ जाता है। डाइट एवं दिनचर्या से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। अपने डाइट में रोज़ कच्चे लहसुन को शामिल करें। दोस्तों कच्चे लहसुन के सेवन से हृदय संबंधित समस्या साथ साथ टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL एवं ट्राइग्लिसराइड में भी कमी देखी गई है। इसके अलावा अपने डाइट में फैट का कम से कम यूज़ करें, जैसे अलग अलग प्रकार के तेल जैसे जैतून का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल आदि। इसके अलावा बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज आदि का यूज़ करें जिससे शरीर में वसा संबंधित अलग अलग पोषक तत्व जैसे पूफा, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड आदि की पूर्ति हो। साथ ही जब भी कोई पैकेट वाली वस्तु खरीदें न्यूट्रिशन लेवल अवश्य पढ़ें जिससे टोटल फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अवश्य जांच लें। दोस्तों सोडियम की मात्रा का रखें नियंत्रण। दोस्तों इस दौरान वज़न बढ़ने एवं हार्मोन के बदलाव के कारण बीपी बढ़ने की समस्या देखी जाती है। इसको कंट्रोल रखने के लिए अपनी रोज़ की डाइट में सोडियम की मात्रा को कम ही रखें। इसके लिए खाने में ऊपर से नमक, अचार, पापड़, पेक्ट वाले स्नैक्स, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें जैसे सॉस, केचप, नूडल्स आदि का सेवन कम से कम करें। दोस्तों अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग मेनोपॉज। दोस्तों पानी की अच्छी मात्रा में सेवन से पेट को साफ रखने एवं कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ हॉट फ्लैश को भी कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। साधारण पानी के अलावा फल व सब्जियां भी शरीर में पानी की मात्रा ठीक रखने के साथ साथ अन्य स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व को भी उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों विटामिन डी एवं कैल्शियम का सेवन ज़रूर करें। दोस्तों इस दौरान हड्डियों का कमज़ोर होना,
ऑस्टियोपेनिया एवं ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे में आपकी डाइट में इन पोषक तत्वों का होना अवश्य है, जिसमें आपकी हड्डियाँ स्वस्थ रहें। ऐसे में कैल्शियम के लिए दूध से बनी चीज़ें, दही, पनीर, छाछ, फोर्टिफाइड सोया मिल्क, जूस, रागी, अंडा, मछली आदि का अपने डाइट में सेवन ज़रूर करें। विटामिन डी के लिए फोर्टिफाइड दूध, मशरूम, अंडा, फैटी मछलियाँ आदि का यूज़ करें। इसके साथ ही रोज़ाना 15 से 20 मिनट धूप में बैठने की आदत डालें और आवश्यकता हो तो डॉक्टर से सलाह लेके सप्लीमेंट भी ले सकते हो। दोस्तों, हम आपको बताएंगे योगा फॉर मेनोपॉज। दोस्तों, मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है। मेनोपॉज टर्म तब बोला जाता है जब महिलाओं में मासिक धर्म पीरियड्स बंद हो जाता है। इससे महिलाओं में रिप्रोडक्टिव पीरियड की भी अंत होती है, यानी एक बार मेनोपॉज होने पर आप फिर गर्भधारण नहीं कर सकती हैं। अक्सर कुछ महिलाओं को मेनोपॉज होने के बाद कई तरह की शारीरिक समस्याएं होने लगती है दोस्तों, जैसे हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। जिस तरह पीरियड्स होना एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक उसी तरह 45 वर्ष में मेनोपॉज की अवस्था आना एक प्राकृतिक बात है। आप योगा के ज़रिए मेनोपॉज के बाद होने वाली शारीरिक समस्याओं को कम कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो योगा है वो सुखासन है। तन और मन दोनों को स्वस्थ शांत करने में मदद करता है। ये शरीर के बाकी दिनचर्या योगासन के लिए तैयार करने में मदद करता है। योग करने के दौरान सबसे पहले सुखासन की शुरुआत की जाती है दोस्तों। इसके लिए आप एक आसन करने के लिए आप ज़मीन पर चटाई बिछा लें, पालथी मार के बैठ जाएँ, अपनी पीठ को सीधा रख कर बैठें और अपनी आँखें बंद करें। अब अपनी हथेलियों को अपने घुटने पर रखें और 3 से 4 गहरी सांस अंदर बाहर लें। दोस्तों, अगला जो है उत्तासन। मेनोपॉज के दौरान बालों की समस्या भी काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए उत्तासन ज़रूर करें। इससे सिर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, पेट से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। बाल कई बार इसलिए भी झड़ते हैं क्योंकि पेट की सेहत ठीक नहीं रहती है दोस्तों। उत्तासन यानी फॉरवर्ड बेड पोज करने के लिए आप सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। आप अपने ऊपरी शरीर का सांस लेते हुए अपने पैर की उंगलियों को छूने के लिए नीचे जाएं। कुछ देर इसी स्थिति में रुके, ध्यान रहे अपने घुटने सीधे हों आपके, फिर सांस छोड़ते हुए शुरुआती मुद्रा में वापस आ जाएं। दोस्तों, अगला जो योगा है वो है ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी बना लें, हाथों को शरीर से छूते हुए बिल्कुल खुला लटकाएं। सांस लेते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं, हाथों की उंगलियां एक दूसरे से इंटरलॉक कर लें। अब अपनी एड़ियों को उठाएं, पैर की उंगलियों के सहारे खड़े हो जाएं। अब पैरों से लेकर उंगलियों और शरीर में खिंचाव महसूस करें। सांस लेते हुए इस स्थिति को कुछ देर तक बनी रहें। अब सांस छोड़ें और विश्राम की मुद्रा में आ जाएं। ताड़ासन करने से मेनोपॉज संबंधी समस्या में राहत मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो मेनोपॉज यानी रजनवृत्ति की डाइट चार्ट। इस पर हमने आपको प्रॉपर डे का डाइट चार्ट बताया, जिसको आप फॉलो करके अपनी मेनोपॉज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। होम रेमेडीज बताई, आयुर्वेदिक रेमेडीज बताई, योगा बताया दोस्तों। और हमने आपको बताया आपको मेनोपॉज के दौरान क्या क्या अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।